भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सिंह जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संत सेनाजी महाराज यांची पुण्यतिथी। मी त्यांना नमन करतो। माझ्या सर्व लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना, तुमच्या या सेवकाचा नमस्कार। इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं,
उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है, हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है, यहां समुद्र के तट भी है, इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है, और यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी है। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले,